ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा 11.1 का, क्लास 10th में मैथ में। तो इसमें सवाल हमको बता रहा है, एक घड़ी की जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई देखिए 14 सेंटीमीटर। देखो मैं चित्र बना रखा है, इसमें ये मिनट की सुई है, इसकी लंबाई यहाँ से आता है कितनी, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है, इसमें घड़ी की मिनट की सुई है और मिनट की सुई से हमको बता रखा है कि इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 14 सेंटीमीटर, और इसी सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल है वो हमको ज्ञात करना है। अब रचित क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है घड़ी की सुई, घड़ी की मिनट सुई मिनट की सुई द्वारा, पहले सुई की लंबाई लिख लेते हैं और वो हमको देखिए 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखिए। और इसके अलावा हमको बताया गया है, ओके एक बात बताओ, जो मिनट की सुई है यहां से यहां तक है, इसका मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होती है किसी भी वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली दूरी होती है, और वो क्या कहलाती है हमारी त्रिज्या, इट मीन्स रेडियस। तो हमारे यहां पर रेडियस क्या हो जाएगी, यानी हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, यही हमारी त्रिज्या होगी। ओके अब एक बात बताओ, हमारी जो मिनट की सुई है उसके द्वारा 60 मिनट में, देखो इस प्रश्नावली में जो भी घड़ी का सवाल रहेगा वो पूरे चक्र से बात करेगा, तो पूरा मिनट की सुई अगर पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितने मिनट पूरे करती है बताओ, 60 मिनट पूरे करती है, एक बार एक घंटे के लिए पूरे घूम जाती है, तो 60 मिनट में कितने का कोण बनाती है। देखो 60 मिनट एक पूरा चक्कर कर रही है, हमको पता है वृत्त के चारों तरफ मतलब वृत्त का पूरा एक घेरे में जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, तो 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। अगर हमको एक मिनट का बनाना है तो क्या करेंगे, 60 को 1 से गुणा कर दो तीन सौ साठ डिग्री, अगर हमको एक मिनट का पता करना है तो गुणा में है 60, इसको दूसरे तरफ भेजेंगे क्या जाएगा डिवाइड में, तो यहां पर एक मिनट बराबर 360 डिग्री अपॉन 60, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 1 6 और 6 6 36। ओके तो हमारा एक मिनट में जो कोण बनता है वो हो गया 6 डिग्री, ठीक है, यहां तो चीजें हुई। आगे क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि सुई द्वारा 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है वो हमको ज्ञात करना है। ओके एक बात बताओ, अगर एक मिनट में 6 डिग्री है, अगर इसको 5 मिनट बनाना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 5 से गुणा करना पड़ेगा। ओके तो प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, एक मिनट है या प्रश्नानुसार 5 मिनट का बताना है, 5 मिनट का क्षेत्रफल हमको पता करना है, तो क्या करेंगे, 1 × 5 कर देंगे बराबर, इधर 6 डिग्री है तो इधर भी 5 करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर के चिन्ह का मतलब है जो इधर होगा वो उधर होगा, जो LHS में होगा वो RHS में होगा, तो यहाँ पे 5 मिनट हमने लिख दिया है बराबर 6 5 30, तो 5 मिनट में कितना बना, 30 डिग्री बन गया, ठीक है। मतलब एक चित्र से अगर हम समझें तो बात ऐसे हो चुकी है, सेंटर पॉइंट पर एक एंगल हमको मिला है वो है 30 डिग्री, ओ ए बी कुछ मान लो, इस तरह की हमको एक आकृति मिल चुकी है, और हमको इस 5 मिनट में, एक्चुअली ये मिनट में अगर बात करें तो कितना है 5 मिनट, और हमको कोण कितना बना दिया है 30 डिग्री का, तो थीटा हमको मिल चुका है कितना 30 डिग्री, यहाँ पे थीटा हमको मिल चुका है 30 डिग्री, और रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस रखिए 40 सेंटीमीटर, हमको भुजा और कोण दे रखा है, और क्या पूछा है हमको, इसका क्षेत्रफल मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम यूज करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या रहेगा,
एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या रहेगा हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो पाई की वैल्यू क्या रहेगी, 22/7, आर दो बार है और आर हमारा कितना है, ये स्मॉल आर, ये 14 सेंटीमीटर, तो 14 × 14, थीटा कितना है 30 डिग्री और अपॉन कितना है 360। 7 × 7, 7 × 2 = 14, यहाँ तक हो जाएगा। और 0 से 0 कैंसिल, अब इसको कैंसिल आउट कर दो। ओके, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 12, और भी कर सकते हैं इसको 2 × 2 और 2 × 6 = 12, और कर सकते हो 2 × 7 = 14 और 2 × 3 = 6। हमारे पास क्या क्या रिमेनिंग रहा, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको क्या रह रहा है, ऊपर तो 22 है और एक है 7, 22 × 7, नीचे हमारे पास क्या बचा है 3, राइट। तो 22 × 7 कितना होता है 154/3, 3 का भाग दो, 3 × 5 = 15, 3 × 3 पॉइंट बच गया 1, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। तो ये हमारा जो आंसर आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है जो सेंटीमीटर में है, तो यूनिट हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर हम लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये जो सवाल है ये कंप्लीट होता है, और इसके बाद में हमको नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पढ़ना है, उसके लिए बने रहे हमारे इसी चैनल पर, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।